नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पर। पिछले वीडियो में अपन ने देखा था स्पॉट हीलिंग टूल का, जिसका शॉर्टकट जे था, इसको कैसे काम में लेना है वो अपन ने पिछले वीडियो में देखा था। अब इसके नेक्स्ट टूल है ब्रश टूल। ब्रश टूल को अपन कैसे काम में लेते हैं उसको बताता हूँ अभी मैं। ये देखिए आप, इसमें जो इंग्लिश में दे रखा है, बाल ब्लेंडिंग कलर्स एंड वैरायटी पॉइंट विटनेस, तो इसको अपन कैसे काम में लेंगे ब्रश टूल को। जो ब्रश टूल है उसको अपन कैसे काम में लेंगे मैं दिखाता हूँ आपको। पिछले जो इसमें दिखाया गया था वो था इसका ये मिक्सर ब्रश टूल था, तो अपन ने तो ज़्यादातर ब्रश टूल ही काम में लेते हैं। बाकी नए नए टूल इसमें इजाद कर दिए गए हैं जो कि वेब डिज़ाइनिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में काम में आते हैं। तो अपने तो फोटोशॉप में से संबंधित काम है, तो फोटो से संबंधित ब्रश टूल ले लेते हैं। ब्रश टूल के समझने के लिए कंट्रोल एन करके नई फाइल लेते हैं, नई फाइल ले लेते हैं, क्रिएट कर देते हैं। ये वाइट कलर की फाइल आ चुकी है, शीट आ गई अपने पास। अब अपने को कलर ले रखा है अपने ब्लैक, ओके। तो ब्रश टूल समझाने के लिए यहाँ पर ये इसकी दे रखी है शार्पनेस और साइज, हार्डनेस और साइज दे रखी है। तो आप देखिए, ये देखिए ब्रश आपको दिख रहा है साइडों में, थोड़ा ब्लर ब्लर होके आ रहा है, तो इसकी हार्डनेस अपन बढ़ा देते हैं, फुल हार्डनेस कर देते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल इस लाइन में और इस लाइन में काफ़ी फर्क हो चुका है। और इसी के साथ एक चीज़ और है जो इसमें देखने के लिए है, ऑप्टिसिटी, कितना परसेंट आप ब्रश दिखाना चाहते हैं। ये देखिए मैंने कम कर दी, तो ये ब्रश हल्का हो गया, वो कलर वही ब्लैक कलर रखा है, ऑप्टिसिटी बिल्कुल हल्की हो गई है। और फ्लो 100% को कम करेंगे अपन, 70-60% करेंगे। तो ये देखिए आप, फ्लो के अंदर भी काफ़ी आ गया है स्मूथनेस। स्मूथनेस 10 की करा के बढ़ाएंगे अपन तो स्मूथनेस बहुत तक अच्छी आएगी। ये देखिए मैं यहाँ से क्लिक करके यहाँ पर आ गया, क्लिक नहीं छोड़ा मैंने, ये बस धीरे धीरे आ रहा है। तो स्मूथनेस आप रखिए 10, और उसके बाद में है फ्लो, फ्लो कर दीजिए 100%। ये देखिए स्मूथनेस, ऑप्टिसिटी है ही। ऑप्टिसिटी आप 70 रखिए, और फ्लो इसका 66 रखिए, और हार्डनेस इसको, हार्डनेस इसकी कम कर दीजिए, हार्डनेस 0 रखिए, परफेक्ट रहेगी। ये देखिए अब साइज़ बड़ा कैसे छोटा कैसे करें, इसके लिए एक तो यहाँ पर जाकर आप बड़ा कर सकते हैं ये वाला। ये देखिए ये फ्लो और ऑप्टिसिटी के जैसे ऐसे आ रहा है, और हार्डनेस अपन ने बिल्कुल माइनस कर रखी है इसलिए ऐसे आ रहा है। और दूसरा आपका शॉर्टकट की है इसके लिए, ब्रश के लिए कोष्ठक बंद वाला, मंजिला कोष्ठक, जिसको तो दबाने से बड़ा होगा, ब्रैकेट शुरू होता है उसको दबाते हैं तो छोटा, ब्रैकेट बंद वाला बड़ा, मंजिला कोष्ठक। जो मंजिला कोष्ठक और बड़ा ब्रैकेट के दो बटन आते हैं अपने एंटर के पास में, उनसे आप उनको ब्रश को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए आप, ऑप्टिसिटी आपको 100% चाहिए, 100% कर दीजिए। हार्डनेस चाहिए आपको हल्की सी, हार्डनेस कर दीजिए। ब्रश छोटी चाहिए, छोटी ब्रश कर दीजिए। कलर दूसरा चाहिए, में जाइए कलर थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, ओके कर दीजिए कलर चेंज। इस तरह से आप ब्रश टूल को काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट टूल है इसी में पेंसिल टूल। पेंसिल टूल वही अपना बिल्कुल पेंसिल की लाइन। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये पेंसिल लाइन है, पेंसिल का भी वही सेम प्रिंसिपल है, साइज हार्डनेस वगैरह फ्लोज सेम ब्रश टूल की तरह ही काम करेगा ये भी। ये देखिए पेंसिल टूल। फिर इसके बाद में नेक्स्ट टूल है अपना कलर रिप्लेसमेंट टूल, इसको दबाएंगे, कलर चेंज करना है अपने को, येलो लेना है तो येलो कर दिया क्लिक।
ये देखिए आप, ये देखिए इस तरह से मिक्स ब्रश टूल, मिक्स ब्रश कर दीजिए, सारे कलर को आप एक दूसरे में मिक्स कर दीजिए, लाइन हो गई देखिए आप। ये देखिए कलर सारे ब्लैक येलो और ये अपना आसमानी मिला के सारे कलर मैंने मिक्स कर दिए हैं। ये देखिए इसका जो शॉर्टकट की बी है, तो ये ऑप्टिसिटी फ्लो और स्मूथनेस इसका ध्यान रखें, ये आगे काम में आने वाली चीज़ें हैं अपने। ये देखिए ब्रश टूल, इसी तरह फोटोशॉप के सारे टूल में बिल्कुल इस वीडियो में डालता रहूँगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नीचे नीचे वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उनके लिंक मिलते रहें, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ अपना ब्रश टूल कंप्लीट होता है। धन्यवाद।